नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइफ स्ट्रीम्स को। आपको पता होगा आज बिहार को नए राज्यपाल फागू चौहान मिलने वाले हैं। 11:30 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन पहले तस्वीरें देखिए किस तरीके से राजभवन के बाहर ही जो फागू चौहान के क्षेत्र से लोग आए हुए हैं उनका जमावड़ा जो है वो शुरू हो चुका है। आइए चलते हैं लोगों के पास और जुड़ते हैं। कहाँ से आए हैं आप सर? मैं घोसी विधानसभा क्षेत्र से आया। घोसी से आए हैं? हाँ। घोसी से ही विधायक हैं? हाँ, घोसी से विधायक हैं। लेकिन अब तो विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल बनने जा रहे हैं। राज्यपाल बनने जा रहे हैं तो कितनी खुशी है आप लोगों को? अपार खुशी है। अपार खुशी है। हाँ, आशीर्वाद देने आए हैं। हाँ, आशीर्वाद देने आए हैं। अच्छा, फागू चौहान जब विधायक थे तो कैसा काम किया क्षेत्र में? अच्छा, बहुत बढ़िया काम किए। वो लायक थे राज्यपाल बनने के? बिल्कुल थे। बिहार के महामहिम बनाया गया है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, कैसा लग रहा है आप लोगों? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने विधायक जी को? हम लोग बधाई देने आए हैं। बधाई बधाई देने आए हैं। आप लोग यूपी से यहाँ तक सिर्फ उनको एक झलक पाने आए हैं, बधाई देने आए हैं? हाँ। क्या उनसे उम्मीद रखते हैं, क्या आगे विकास करें? आगे ये बिहार का विकास करेंगे जी। और हम लोग उनको यही आशीर्वाद देने आगे सम्मान मिलेगा। हाँ। देखिए, और भी जो लोग हैं उत्तर प्रदेश से आए हैं, हम सभी से जानेंगे सर कहाँ से आप घोसी से आए हैं? हम लोग घोसी से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ इनका राजनीतिक करियर 25 साल से रहा है जी। और कई बार ये कई महत्वपूर्ण पद पर उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं जी। और केंद्र सरकार के नियत में ये था कि ये उस लायक हैं, इसलिए इनको यहाँ बिहार का राज्यपाल बनाया गया। क्या ना, कहीं ना कहीं यूपी के लड़के को सम्मान दिया गया है बिहार में भी? यूपी से हैं? हाँ, सम्मान दिया गया। बहुत 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 सम्मान दिया गया है बिहार। आप लोगों को खुशी है? बहुत बहुत खुशी है। क्या अगर आप अभी मिलते भी हैं अपने विधायक जी से, अब वो राज्यपाल हैं, तो क्या कहेंगे उनसे? हम यही कहेंगे कि मतलब जो इनको सरकार ने जो दायित्व सौंपा है उसका मतलब कि वो आप लोगों को पहचानते हैं ना? बिल्कुल पहचानते हैं, बाई नेम जानते हैं, हमेशा साथ हैं, उठने बैठने खाना खाना पीना सब साथ होता है, सब साथ में होता है। तो कैसा लगता था उस वक्त, कैसा इनका नेचर है आप लोग जरा बताइए? हम नेचर की वजह से ही यहाँ पे तक बिहार तक पहुँचे हुए हैं। हम लोग तो बार बार इनको बहुत बड़ा धन्यवाद देंगे कि हमारे क्षेत्र में कम से कम ना तो आज 6 साल विधायक रह करके और यहाँ के राज्यपाल बने हैं। 6 बार विधायक रहे हैं? 6 बार। 6 बार विधायक? 6 बार। अच्छा, आप लोग साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं, क्या पसंद है राज्यपाल महोदय को? अब ये तो साथ में खाते पीते हैं? वो साधारण खाना खाते हैं। बिल्कुल। आप लोगों को खिलाते थे साथ में? हम लोग साथ में खाए, कई बार हम लोग खाए साथ में खाए हैं। दही चूड़ा सब कुछ? हाँ, कुछ फेमस खाना हमारे यहाँ का फेमस वाला तो कोई नहीं है, उनके लिए भेदभाव कोई नहीं है, उनके लिए कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं, नहीं सब बराबर है। कहीं ना कहीं वो जिस समुदाय से आते हैं, वो पिछड़े समुदाय से आते हैं, तो उन लोगों को भी सम्मान मिला है? मिला है, बिल्कुल मिला है। जहाँ जाती पर मिला है। हाँ, अगली बार वो राजस्व मंत्री रहते ना। अब देखिए, जहाँ जहाँ वो रहे हैं, 6 बार विधायक रहे वहाँ पर, राजस्व मंत्री थे वहाँ का, उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे। हाँ, उत्तर प्रदेश। तो कैसा लग रहा है जो आप दूर से बूढ़े बुजुर्ग आए हैं, क्या आशीर्वाद दे दीजिएगा? अच्छे आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद दीजिएगा। देखिए, आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के घोसी से बिहार के राजभवन तक पहुँच चुके हैं ये सभी उनके कार्यकर्ता, ये सभी उनके फॉलोअर्स। अब देखते हैं राज्यपाल महोदय शपथ लेने के बाद इनसे मिलते हैं क्या कुछ, कैसा माहौल रहता है, उससे भी यहाँ पर रूबरू कराते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।